गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल रात को हम लोग इवनिंग हस्बैंड आने के बाद थोड़ा सा मार्केट गए थे और लगे हाथ ना कुछ सामान लाए थे। क्या सामान लाए थे, मेरा बहुत ही शौक वाला सामान था, तो सोचा कि मतलब दिखाई देती हूँ आप लोगों को। इससे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये सब सामान। अभी मुझे ना इसका ना हिंदी वर्ड एग्जैक्टली नहीं आता है, हमारी लैंग्वेज में तो काह बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं आ रहा है मुझे। कॉपर तो नहीं होगा शायद, मुझे मतलब एग्जैक्ट वर्ड इसका मैं फिर से भूल गई हूँ। आपको याद होगा कि मैं अप्रैल में इस तरीके का 4 थाल लाए थे, सो मैंने बोला बाकी का मैं बाद में लाऊँगी। सो उस 4 के साथ और 2 लाई, तो मेरा सेव वाला जो डाइनिंग है, सेव वाला जो सेट है, लोग वगैरह आते हैं तो सबको देना पड़ता है, वो कंप्लीट हो गया। और उसके साथ ये छोटा वाला ना, इसको हाथ से कूट कूट के बनाते हैं, ये बहुत ही सब प्योर है, लेकिन ये जो हाथ से कूट कूट के बनाने वाला ये सब और भी ज़्यादा प्योर है। और वही हाथ से कूट कूट के जो बनाते हैं ना, ये सब भी मतलब कटोरी भी लेकर आई, से का सेट लाई थी। और मुझे लगता है ना थाल से ज़्यादा कटोरी का सेट, अगर थाल से होता है ना तो कटोरी 12 रखना पड़ता है, तो मैंने ये 12 वाला कटोरी लाया था थोड़ा सा। उसके बाद मैं लाऊंगी थोड़ा सा मतलब मिडिल साइज़ का, एक छोटा साइज़ का कुछ लाऊंगी कटोरी वगैरह, सो वो बाद में लाऊंगी, फिलहाल तो यही है। और हर्षिता के लिए मैंने थाल लाने गई थी, क्योंकि उसको ना ये कलर मतलब इस थाल में खाना उसको पसंद है, सो उसके पापा और उसके लिए रेगुलर लाती थी, तो सोचा कि बर्थडे के लिए उसके लिए एक मतलब याद स्वरूप कुछ देती हूँ। और थोड़ा सा मंदिर का भी लाई थी कुछ, मतलब एक धूपदानी और एक मतलब ये, और ये कटोरी जो है ना हाथ से कूट कूट के इन सब को बनाते हैं हमारे इधर, और ये इधर का ट्रेडिशनल है सब। अगर आप कहीं जाओगे किसी के घर में तो इन्हीं सब सब मतलब डिश में आपको खाने को मिलेगा, थाल बाटी में। और धूप और इसका प्योरिटी मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ, इसका जो साउंड है ना इसी से इसका प्योरिटी आपको आते गए। मैंने ये वाला आज जितना भी लाया था 8,500 लिया था इसको, तो ये उन्होंने बोला था अगर आप 10 साल बाद भी बेचोगे ना उस टाइम के रेट में मिलेगा ये सारा का सारा सेम। सो ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, और एक घर के लिए सबको कुछ ना कुछ शौक होता है। मुझे मेरा डाइनिंग सेट धीरे धीरे करके मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, सो पहले थाल कम और इतना ही होगा, काफ़ी होगा, बट अभी बहुत हैवी है जब तक घर नहीं होता। और अभी फेस्टिवल की सीजन आ रहा है ना, तो मंदिर के लिए ये सब भी लाया था, सो इसको इधर रख दी हूँ। और हर्षिता ना इसका जो बेल है ना उसको लेके कहीं कहीं घूमते रहता है, पूरा घर में बेल बजाते फुरते रहता है गणपति के। और मेरा जो ये हाथ में है ना कुकिंग के टाइम पे, वो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, बहुत हड़बड़ाहट अच्छा हो जाता है ना, तो ये चीज़ ना मतलब चोट लग गया, चोट तो नहीं इसको क्या बोलते, ऑयल गिर गया था मेरा फिश बनाते टाइम। और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग, नहीं बाजार जा रहे हैं, देखो हाथ में क्या है, जाओ क्या हुआ तो सुलाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मंदिर नहीं जाएंगे अभी गणपति जी के, उधर शाम को जाएंगे, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा सब्जी वगैरह लाती हूँ एक हफ्ते के लिए, और चलिए बाकी सब बाद में बताती हूँ। मतलब कहीं भी जाओ ना, कहीं भी जाने के लिए आजकल ना मतलब हज़ार बार सोचना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा धूप है, लेकिन सब्ज़ी थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा। रात को सब्ज़ी वगैरह ना अच्छा नहीं मिलता है, और मतलब दिखाई भी नहीं देता है ना, कीड़े वगैरह आ जाते हैं। हस्बैंड को दूंगी तो वही कीड़ा वाला लाते हैं, सो जाना ही पड़ेगा। अभी पहुंच गए हैं हम और इस मैडम का नौटंकी देखो, और इधर आते ही हम लोग जहाँ पार्किंग किया उधर सामने ही जो फूल बेचने वाला भैया है ना उधर लाए थे, और इधर ना किंग चिली जो होता है ना हमारे इधर का भूत जलो किया, उसका बड़ा बड़ा पेड़ बेच रहा था। मैं सोची लूँ या ना लूँ, हस्बैंड को बार बार कुछ ना कुछ लाती हूँ ना उसका मतलब देखभाल करने के, मतलब
कमी की वजह से ना पौधा ख़राब हो जाता है, इसलिए नहीं लाती हूँ। चलो, और अभी हर्षिता अपने लिए क्ले लेकर आए हैं, सोचा कि वो क्ले से खेलेंगे और मैं तब तक काम करूँगी। और हस्बैंड आते ही भाग गया है, उसको मतलब मालिश कराना है, हेयर कटिंग कराना है। देख सकते हो मैं लड़की होकर मुझे जाना नहीं पड़ा, मतलब पार्लर जाना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और ये इंसान सैलून में इतना टाइम वेस्ट करता है। और बताती हूँ, पूरा 2.5 या 3 घंटा, 12 बजे या 11:30 बजे गए थे, 2:30 बजे आए थे घर, इतना टाइम मतलब वेस्ट किया उधर। और अभी मैं बना रही हूँ फिश करी, और आप लोगों को बता देती हूँ, तो सोच रहे होंगे कि नॉनवेज, अभी ये संडे के दिन है, गणपति बप्पा है उधर, बट हम लोग गणपति ऐसे तो जाते हैं पूजा वगैरह, नॉनवेज चलता है हमारे इधर, सबके घर में शायद इस टाइम पे नहीं चल रहा होगा, बट हमारे इधर तो चलता है। जो आंटी ने फिश रखा था, 2 किलो का फिश था, तो दोनों घर में हम लोगों ने आधा आधा कर लिया, 1 किलो 1 किलो कर लिया। और पीस वगैरह ना बहुत बड़ा कर दिया था, उसके वजह से ना मुझे एक एक करके फ्राई करना पड़ा। और आज मेन्यू में है दाल, फिश करी हमारे लिए बनाई थी सिर्फ फिश करी, हर्षिता नहीं खाते हैं, और कितना भी मतलब भागो उसके साथ। चलो, हर्षिता और उसके पापा के लिए राइस बना दिया, अभी ये सब रेडी कर देती हूँ। और ये हर्षिता का है लव फेस, मतलब हार्ट शेप का थोड़ा सा है ना, तो इसको हर्षिता लव फेस बोलते हैं। और अभी ये ऑयल है, इसमें अंडा है फिश का, उसके साथ चावल है। आजकल ना ज़्यादा सब्जी लाने का ना मन नहीं करता, इतना ज़्यादा मतलब प्राइस हो गया है, साग ही कम प्राइस में है। और खाना बना खा के ऐसे बेड में आ गए, हालत देखो घर का, इतना पूरा घर में इतना ज़्यादा गर्मी है, कूलर काम नहीं कर रहा है, मैं आइस डाली कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर सोचा कि और एक बेडशीट लगा देती हूँ, थोड़ा सा फिर भी आराम मिलेगा। और सिर्फ सारा काम धाम करके थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी, आया था पार्सल मिंत्रा का। सो आपको कुछ दिन पहले ग्रीन टाइप का कुछ एक सलवार सूट दिखाया था ना, कॉटन का कपड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट उसको मैंने रिटर्न किया था क्योंकि वो बहुत मतलब कॉस्टली था, तो उसके एक के नाम पे मैंने 2 ऑर्डर कर लिया रिटर्न में। और नेक्स्ट डे ही आया था रिटर्न के लिए, ले जाने के लिए, और उसी दिन रात को सारा पैसा दे दिया था, मतलब मेरे मिंत्रा बॉक्स में आ गया था। और ये वाला मैंने ऑर्डर किया था, देखने में तो क्यूट लग रहा था, पिंक पिंक कलर, आप लोगों को पता है एक पिंक मुझे कितना पसंद है, बट मुझे ना एक चीज़ का डर लग रहा था, ये पहन के गर्मी कितना लग सकते हैं। ये वाला दिखा था मैंने, सो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट मुझे कपड़ा तो वो सब अच्छा था, बट मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं थी, बहुत गर्मी थी। और एक था ये वाला, ये प्योर कॉटन का था, ये वाला मेरा फेवरेट बन गया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, और इसका मैं रेटिंग भी दे चुकी हूँ 5 में से 5। और इसके स्लीट ना थोड़ा काठा, मतलब सॉरी, नीचे वाला जो है ना काठा थोड़ा सा, सो मुझे ये वाला बहुत ही डिज़ाइन अच्छा लगा, और ये मैं रखने वाली हूँ, पिंक वाला मैं रिटर्न करने वाली हूँ। चलो, मिलते हैं और एक ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कुर्ता कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिए।